वाला था, उसने दरबार में खड़े होकर कहा, बाबा सबने छोड़ा चल जाए, आप छोड़ोगे मर जाओ, आप अगर मेरी तरफ से नजर रखोगे ना बाबा तो सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। और क्या कहा उसने आई, और जो कहा अपनी जिंदगी में भी उसको अमल करके देखना, महसूस होगा कि सामरा आपके इर्द गिर्द है, कहीं दूर नहीं। Thank you.
Thank you.
आप कमजोर हो, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, कुछ मत बोलना, सिर्फ इसके सामने जाकर खड़े हो जाना, दोनों भुजाओं को उस समय ऊपर उठा लेना और कहना, बाबा मैं कमजोर हूं, बाबा मैं निर्बल और तू निर्बल का बल, तू जाने और तेरा क्या होगा पता है? Thank you.
लगाई भी अर्जी का नहीं चिपक सकती है। महाराज बोलो बोलो महाराज, और मुझे नहीं मालूम कि जो मैं कहने जा रहा हूं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये जो बैठे हैं ना यहां पर, बाबा के शिखर पर जो ध्वजा बनती है उसका भी अधिकार क्षेत्र है, ध्वजाधारियों को बांधने का अधिकार है। कोई भी ऐसे शिखर पर ध्वजा बांध नहीं सकता, और ये बाबा ने ये सेवा इन लोगों को दे रखी है, ध्वजा ध्वजाधारी है। और इतना बड़ा बेड़ा खाटू से कलकत्ता आए और कलकत्ते से पैदल चलकर खाटू जा रहे हैं बाबा का निशान लेकर। इन निशानों में जिसने अर्जी बांध दी, कि मेरा विश्वास है उसकी अर्जी पर सुनवाई होगी, ये मेरा विश्वास है। प्रेमी जो भी परेशान है आज ये भजन उन लोगों के लिए, लेकिन गाना सारी जो खुश है ना वो भी गाएगा ना, तो कभी परेशान हो नहीं पाएगा, और जो परेशान है उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। आइए Thank you.
Yeah.
क्योंकि नहीं मेरी बात सुनिए, सुबह 7 बजे हम लोगों को निकलना है, इसलिए नहीं क्षमा जाते हैं। रोज रोज आपको मैं क्या बताऊं, चूंकि आज दूसरा दिन है, रोज चलना है, रोज 2 घंटे का कीर्तन करना है और रोज सुबह 7 बजे निकलना है, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आपको एक निवेदन जरूर करूंगा, जो जो अर्जी लगाना चाहते हैं, कल सुबह 7 बजे ठीक बाबा के नीचे, बाबा के रथ में, जहां बाबा विराजमान, आरती होगी, जो भी अपनी अर्जी लगाना चाहे वो उस दरबार में बाबा के आकर अपनी अर्जी लगा देना। हम बाबा से अरदास करेंगे, सारे रास्ते भजन होते चलेंगे 1800 किलोमीटर, और वो अर्जियां बाबा के इर्द गिर्द घूमेंगी। मेरा विश्वास है कि अर्जी पर काम होगा। जिनको विश्वास है कल सुबह 7 बजे पधारेंगे, 7:30 बजे ठीक।